उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस को सबसे हाईटेक पुलिस कहा जाता है, लेकिन सबसे हाईटेक पुलिस कहे जाने वाली नोएडा पुलिस के पास खुद की चौकी तक नहीं है। पिछले कई वर्षों से धर्मशाला में अपनी चौकी चला रही है और यहीं पर फरियादियों की फरियाद सुनती है। और धर्मशाला की हालत भी बिल्कुल जर्जर है, जहां पर पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर मुस्तैदी से ड्यूटी निभा रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश के नोएडा की धर्मशाला वाली चौकी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि धर्मशाला में किस तरह से चौकी बनी हुई है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र के बिलासपुर में यह धर्मशाला दरअसल 50 वर्ष से भी पहले लोगों के ठहरने के लिए बनाई गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे हाईटेक पुलिस नोएडा पुलिस ने इसे चौकी का रूप दे दिया और इसे बना दिया फरियादियों की फरियाद लगाने का स्थान। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह धर्मशाला है और इसकी हालत भी तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रही है। इसकी जो छत है वह बिल्कुल जर्जर है, जो यहाँ पर छत में जो कड़ी लगी हुई है वह बिल्कुल गल चुकी है और यह किसी भी वक्त गिर सकती है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अगर लेंटर की बात करें तो यह भी बिल्कुल जर्जर है और नमी की वजह से यह भी झरने की स्थिति में है। इसके अलावा बारिश में इस चौकी में रुकना दुश्वार हो जाता है, क्योंकि पूरी चौकी में जगह जगह पानी टपकता है और जल भराव हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी चौकी में मौजूद पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से निभाते हैं। गौतम बुद्ध नगर में तो कमिश्नर सिस्टम तो लागू हो गया, लेकिन चौकियों की हालत अभी भी नहीं सुधरी है। कल ही दादरी थाना क्षेत्र के कोट चौकी में एक बड़ा हादसा टला था, जिसमें चौकी का लेंटर का हिस्सा नमी की वजह से नीचे गिर गया था और वहां पर रखे हुए कुर्सी और बेड टूटकर चकनाचूर हो गए थे। गनीमत रही थी कि उस दौरान वहां से पुलिसकर्मी उठकर बाहर चले गया था, इस तरह से बड़ा हादसा होने से टल गया था। देखिए, चौकी के लिए हम लोग जगह भी तलाश कर रहे हैं और इसके संबंध में पत्राचार भी किया गया है और जल्दी ही जगह तलाश करके नई जगह हम लोग चौकी बनवाएंगे। ऐसी ही हालत अब दनकौर थाना क्षेत्र के बिलासपुर चौकी की है। यहाँ पर कभी भी छत या लेंटर गिर सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ भूपेश प्रताप, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।